नीचे ये दो बर्तन पड़े हैं, मैं आपको ये बर्तन दिखाता हूँ पड़े। ये रूममेट की चारपाई जिसका नाम है उसामा, मेरी विंडो होती थी उस वक्त। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज अली को मैं छोड़ने जा रहा हूँ उसकी यूनिवर्सिटी, और उसका जो हॉस्टल है उसमें आज पहला दिन है, उसमें सामान शिफ्ट करना है। हम सामान लेकर जा रहे हैं। अभी जो मौसम है ना, आप देख सकते हैं स्याह बादल आसमान पर नज़र आ रहे हैं। तो तकरीबन एक घंटे की जो है ना वो ड्राइव है। लेकिन रास्ते में जो है ना, जब हमारे मुबारक कदम इस शहर में पड़े हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैंने दोस्त को कॉल की है, वो हम उसके हॉस्टल में अभी जा रहे हैं। हम जाने दो भाई। तो इस गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने जो है ना ग्रेजुएशन की हुई है, तो अभी जा रहे हैं हम अपने कॉलेज के हॉस्टल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। और तबीयत से ठीक है? अस्सलाम वालेकुम भी, ठीक हो? है आकाश रे है ना हॉस्टल? अस्सलाम वालेकुम यार, कैमरा तेरे पे ले, ठीक हो? नाब अली साहब, क्या हाल है? ठीक हो? एक ही है बैग चाहिए, मतलब 14 साल बाद बैग है। क्या बात है, बाद मोड़ लिया ये तो मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दाढ़ी बट्टी कर ली है। हमारी जो है ना 2021 की ग्रेजुएशन है। ये मेरा रूम है, यहाँ पर मेरी चारपाई होती थी, एक यहाँ पर एक दो और दोस्त की होती थी। ये जो है ना हमारे जूनियर्स हैं, ये मेरे तकरीबन एक दो साल बाद आए थे। ये तो हमारा रूम था हॉस्टल का। और आप जो मेरी विंडो थी वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये मेरी विंडो होती थी उस वक्त, आप चेक करें। ये सामान पड़ा है कबाड़ का, एक चीज़ काम की पड़ी है इसमें, बैट, मेरा फेवरेट जो स्पोर्ट्स। बाकी ये विंडो किसी के इस्तेमाल में नहीं है, नहीं किसी के इस्तेमाल में। ये वाली ये उसामा के होती थी। ये उसामा का था नहीं पड़ा बिस्तर? नहीं नहीं, ये और लड़के का। अच्छा, ये सब आप देख सकते हैं, आप हमारे जाने के बाद क्या सूरत हाल हो गई है। अच्छा, ये शुक्र है ये रूम की सफाई जो है ना वो करते हैं। आप इसी कमरे में रहते हैं? इसी में। अच्छा, ये जो दोस्त है ना, ये बीएस केमिस्ट्री कर रहे हैं, इनके तकरीबन 3-4 दिन बाकी हैं, इसके बाद ये जो है ना डिग्री लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। ये किसकी विंडो है? ये अली की है, जो पहले लड़का आपसे मिलवाया है। और ये अच्छा तो नहीं लगता किसी की बाहर विंडो को चेक कर। ये किसकी है? ये आपकी है? अच्छा, पढ़ने वाला बच्चा है, किताबें पढ़ी हैं वगैरह। अच्छा, ये था हमारा उस वक्त रूम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी जो है ना काफ़ी माशाल्लाह इतनी इम्प्रूवमेंट कोई नहीं आई, यही इम्प्रूवमेंट आई है कि ये जो है ना ये जालियाँ फट गई। ये वाइट बोर्ड इन्होंने लगवाया हुआ है, ये प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। भाई हमारे लिए जूस आ गया है, हम ला ले। ब्लॉगर की जिंदगी बड़ी टफ। अच्छा, ये मेरे पार्टनर की चारपाई है जो मेरे साथ रूम में होता था उस टाइम। ये हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये हमें इस्तेमाल में हो जाए, ये तो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है। यहाँ पर भी हमारे कोई दोस्त रहते थे, वो भी छोड़। ये रूम खाली है? खाली। ये रूम बिल्कुल खाली है, ये चारपाई भी बेकार हो गई है। ये मेरे होती थी रूममेट की चारपाई जिसका नाम है उसामा। तजम्मल असर मोहम्मद ईशान ताहिर, ये मेरे दोस्तों के नाम लिखे हुए हैं। बीएस केमिस्ट्री सेशन जो है ना 2018 से 2022, बाकी उनकी ये उन्होंने चबले मारी हुई हैं। बेस्ट विश तजम्मल असन, यू आर वन ऑफ माय बेस्ट फेलो एंड लाइफ कोच। ये तजम्मल असन के बारे में उन्होंने लिखे हुए हैं। मे अल्लाह ब्लेस यू, हैप्पी लाइफ एंड सक्सेस। अल्लाह का शुक्र है 555। कैमरा बंद कर। तो हमारे जाने के बाद बहुत तरक्की हो गई है इस कॉलेज, ये डिपार्टमेंट बन रहा है नया बीएस का गालबन। तो ये 2021-22 के बाद ही बना है, ये नया बिल्डिंग बन रही है। 5 minutes later. किन्ने रही है? हाँ, फिर हम चार पाई का पता कर रहे हैं। ये बहुत अहम और जरूरी जो काम है चार पाई वाला। इन्होंने हैंडलूम भी लगे हैं, पैर भी अच्छा लगा है, स्पोर्टा लगी हैं, ये चीज टूटनी नहीं है।
लेटेस्ट का वो 4000 मांग रहे हैं चार भाई का। चार भाई तो देख लिया लेकिन जो है ना कीमतें बहुत ज्यादा हैं, तो ये हमने ले लिया, ज्यादा ना भारी है ना ज्यादा हल्की है। तो ब्रो हम पहुंच गए हैं बॉयज हॉस्टल में, यहाँ पर जो है ना अपना सामान शिफ्ट करेंगे, चार पाई दूसरा सामान ले। ये हॉस्टल का सबसे बड़ा कमरा, यहाँ पर नए आने वाले स्टूडेंट को पहले यहाँ पर ठहराया जाता है, बाद में इनको रूम्स अलाट किए जाते हैं। इस कमरे में 20 से 25 जो है ना चार पाइयों की गुंजाइश है, आप चेक कर सकते हैं। इधर से एक विंडो पड़ी है। ये हमारा पेशेंट आ गया, आपने इसका ख्याल रखना है। एग्रीकल्चर बॉयज़ कैंपस का आप अंदर से हॉस्टल चेक करें, कैसा खूबसूरत और छोटा सा हॉस्टल है। आप आगे से ग्रासी ग्राउंड भी है, पौधे लगे हुए हैं, तो ये आप अंदर से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं अलविदा। आज लड़का जो है ना बहुत उदास है, खूब दिल लगा कर ऐश करना। जी तो एग्री यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमने भाई का सामान शिफ्ट कर दिया है हॉस्टल में, अब जा रहा हूँ मैं वापस, तो यूनिवर्सिटी से हम निकल लें बाहर, तो फिर ब्लॉग करेंगे कंटिन्यू। भूख काफ़ी लगी है तो खाने में हमने मंगवा लिए हैं दालीम, रायता और नान, लाहौरी मुर्ग चने। ये दालीम जो है ना मेरी फेवरेट, मैं बड़े शौक से खाता हूँ। तो वापस जाते हुए एक चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको एक तालाब नुमा जो है ना बाउंड्री नज़र आ रही होगी, यहाँ कहते हैं कि पहले जो है ना तालाब होता था, और ये एक बड़ा दरख्त है और इसके नीचे ये दो बर्तन पड़े हैं, मैं आपको ये बर्तन दिखाता हूँ बड़े। ये जो है ना एक घड़ा नुमा जो है ना बर्तन है, ये आप देख सकते हैं, ये पुराने ज़माने का लगा हुआ है, जो कुआँ होता है जो उसके ऊपर ये जो है ना डोल डाल कर लटकाते थे या घुमाते थे, ये आप चेक करें। बिल्कुल जो है ना टोबा टेक सिंह का जो है ना रेलवे स्टेशन, उसके बिल्कुल साथ ही ये बना हुआ है। तो चलते हैं वापस दोबारा जो है ना अपने कॉलेज के हॉस्टल में, वहाँ जो है ना दोस्त आने वाले हैं, उनको जो है ना अल्लाह हाफिज़ बाय बाय करके जो है ना निकल जाएंगे वापस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो एक बार फिर मैं पलट कर वापस आ गया हूँ अपने कॉलेज में, अपना कॉलेज यहाँ पर मैंने जो है ना ग्रेजुएशन की थी। तो ये अभी जो है इवनिंग क्लासेज हो रही हैं, ये बाइक्स खड़ी हैं इवनिंग क्लासेज वाली, ये सामने मस्जिद है, नमाज भी पढ़नी है। तो अभी जो है ना मैं वापस जा रहा हूँ खालिद के हॉस्टल में, डायरेक्टर का दफ्तर है डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस का, और ये जो है ना नया डिपार्टमेंट बन रहा है, सामने कॉलेज हॉस्टल है और इस साइड पर जो है ना लाइब्रेरी, और आगे जो है ना एडिटोरियम हॉल है। ये क्रिकेट का ग्राउंड होया करता था, ये वॉलीबॉल, और ये आम होते थे। ये आपसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आम लगते हैं, यहाँ पर आम लगते थे और पकते थे और आम खाते थे, बड़े शौक से खाते थे, काफ़ी आम खाए हैं हमने। सामने हमारा हॉस्टल हुआ करता था, ये गवर्नमेंट कॉलेज का हॉस्टल है, गवर्नमेंट का हॉस्टल चेक करें, और जो जीसी का मैंने यूनिवर्सिटी का आपको हॉस्टल दिखाया वो चेक करें, कितना फ़र्क है दोनों में। अपना दोस्त पेपर देने गए हुए हैं, उनको अभी तक जो है ना पेपर उनका एंड नहीं हुआ, तो वो आ लें तो उनको जो है ना बाय बाय करके वापस चले जाएंगे। इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे उस वक्त, ये जो है ना ग्राउंड काफ़ी ख़राब होता था, इस ग्राउंड की हालत इस ग्राउंड की तरह होती थी जैसे ये ग्राउंड है। तो आप ये माशाल्लाह देखिए कितना हरा भरा और अच्छा नज़र आ रहा है। ये अंजीर का पौधा लगा हुआ है, ये अभी जो है ना कच्ची अंजीर। ये टाइम हुआ है वो 4:32 हुए हैं, तो 5 बजे जो है ना उनका पेपर एंड होना है, तो तकरीबन हमारे पास आधा घंटा है, तो उनका वेट कर लेते हैं। Lot of boring math later. ना जी, तो हमारे बॉयज पेपर देकर आ गए हैं, पेपर कैसा हुआ है? थोड़ी शक्ल मोड़ना देखो, ठीक है अल्लाह हाफिज। तो यहाँ पर जो है ना मस्जिद का पता करते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं, असर की नमाज का टाइम जो है ना वो निकला जा रहा है। 45 मिनट का सफर है यहाँ से, तो अभी सूरज जो है ना डूब होने में काफी टाइम है। Much, much, much later. ये कौन आ रही है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए हैं बच्चे। क्या हाल है? सलाम तो दो, क्या हाल है? आ जाओ बैठ जाओ जी। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज की अल्लाह ने तौफीक दी है, तो आपको भी अल्लाह तौफीक दे नमाज पढ़ने की। तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग को एंड, ये था आज का हमारा सफ़र।
तो इसको करते हैं यहाँ पर एंड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।